हिंदुस्तान को थी दहलाने की साजिश, नापाक आतंकियों की साजिश हुई नाकाम, अलग अलग जगहों से 6 आतंकवादी हुए गिरफ्तार। एक बार फिर बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राज्य के 2 अलग पुलिस विभागों के साथ मिलकर 14 सितंबर को 2 पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादियों सहित 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के ISI के इन आतंकवादियों ने भारत में त्योहार के मौके पर दहलाने की साजिश रची थी। आतंकवादियों का मकसद था कि भारत में दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में विस्फोट करना, मगर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन आतंकवादियों के नापाक इरादे को नाकाम कर दिया है। पकड़े गए आतंकवादियों के नाम है जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, ओसामा उर्फ सामी, जिशान कमर, मोहम्मद अबू बकर, आमिर जावेद और लाला है। जबकि ओसामा और जिशान इन दोनों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। आपको बता दें, जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया के परिवार वालों से धरावी में मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। धरावी पुलिस ने जान मोहम्मद की बीवी और बेटियों को थाने में लाकर उनका बयान दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बहुराज्य अभियान में एक जिंदा IED के अलावा विस्फोटक और फायर आर्म्स भी बरामद किया गया है। जिंदा बम यूपी के प्रयागराज से बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक भारत के बड़े शहरों में कई बम धमाकों को अंजाम देने की आतंकी साजिश को दाऊद के गैंग फंडिंग कर रहे आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे, यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाई शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ गदर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक खास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पर दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाले ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना, जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन IEDs को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमिनेशन भी है।